परिस्थिति उसमें जिता दिया कि आज अहंकार चढ़ के बोलता है। बहन बेटियों के लिए समाज में मंच पे खड़े होकर के लिए हल्के शब्द बोलना, कौन थे? ये दोनों ही तो थे। मोटरसाइकिल भी मतलब दो टायर हा, ए दो ही टायर अटे ही बैठा है, मोटरसाइकिल भाटा माते वो भी है। आप देखो आरएलपी का कैंडिडेट नागौर में नहीं उतारा, आरएलपी का कैंडिडेट सरदारपुरा में भी नहीं उतार रखा कि हमारे जो युवा साथी आज नशे की ओर जा रहे हैं। सगला जितना मन मिले नहीं बुजुर्ग बैके बैके भाई क्यों सर मैं नशो घणो आएगो, टिंगरिया माँ का बिगड़ रही है। आएगी बीसी लागे बीसी, वह बीसी को टाइम आएगो, 20 वर्ष हुईगा अभी बाद में। और इस मन से एक ने बहुत अच्छी बात करी कि शायद वो शुरू में जब शुरू राजनीति जीवन शुरू किया था उनकी मंशा रही होगी कि मैं लोगों की मदद करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतनी बार जिता दिया, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो उसमें जिता दिया कि आज अहंकार चढ़ के बोलता है। पर अहंकार तो रावण का भी ले मरा उसको। आज अगर आप लोग मजबूत रहोगे और आज अगर उनको ये चुनाव हराते हो तो हो सकता है कि वो सही रास्ते पर चलने लग जाए। बहन बेटियों के लिए समाज में मंच पे खड़े होकर के लिए हल्के शब्द बोलना, कोई अगर एक जगह और बोले कहते हैं कि भाई अगर ये खींवसर के अंदर एक भ्रम फैला रखा है कि अगर खींवसर में मुझे अगर विधायकी से हटा दिया तो यहाँ पर जो ट्यूबवेलें चल रही है वो नहीं चलेगी, जो भाटे निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे, तो भाई एक बात बता दूं इस मंच से वापस कि व्यवस्था तो है जैसे ही चलेगी, उसके लिए उनका कोई लेना देना नहीं है। राज पलटेगा, हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, चाहे भाटा निकालने की बात हो चाहे आपके कनेक्शन दिलाने की बात हो। जिस चीज़ के हम खिलाफ हैं उस चीज़ से आप खुद भी परेशान हो कि हमारे जो युवा साथी आज नशे की ओर जा रहे हैं। सगला जितना मन मिले नहीं बुजुर्ग बैके बैके भाई क्यों सर मैं नशो घणो आएगो, टिंगरिया माँ का बिगड़ रही है। अब तो समाज सुधारने की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबको उठनी पड़ेगी। और फिर एक बार बताती हूँ कि ये जो दहशत फैलाई, सब आज आके बोलते हैं कि भाई अगर इनको हरा दिया या इनके खिलाफ खड़े हो गए और कल को ये खुदा ना खास्ता जीत गए तो फिर ये माँ के आटा गणा काटी, तो भाई आटा काटन का जो को टाइम होनी बोगी हो। एक गहलोत साहब ऐसे नेता जरूर थे जो मंच से गाली सुन लेते थे और इनकी मदद फिर भी कर देते थे, तो आज भी कर रहे हैं और ये भी उनकी मदद कर रहे हैं। आप देखो आरएलपी का कैंडिडेट नागौर में नहीं उतारा, आरएलपी का कैंडिडेट सरदारपुरा में भी नहीं उतार रखा। पता चलता है कितनी घालमेल है। पर अगर समाज का कोई सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि वह अशोक गहलोत था। एक भी आदमी को आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ मेरे पीछे लगते हैं मेरा लारा करते हैं तो ठीक है, वो धर्म बनता है उनका, राजनीतिक धर्म है कि मैं दूसरी पार्टी में हूँ। लेकिन जब मैं कांग्रेस में थी तब भी मेरा लारा करते थे, क्यों भाई? आज कांग्रेस के अंदर दिव्या मदेरना बैठी है, हरीश चौधरी बैठे हुए हैं, उनका लारा क्यों करते हैं? उनका नुकसान करने की बात क्यों करते हैं? और अगर वो किसी को हमारे समाज में किसी को सहयोग करते हैं सपोर्ट करते हैं तो केवल हनुमान बेनीवाल जी को करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो आप सब जानते हो, क्योंकि दोनों घालमेल की राजनीति करते हैं और उसी का नतीजा है जो कल रात को लिस्ट आई है, वो लिस्ट देख करके कि भाई को भाई से भिड़ाओ, हरिंदर जी सामने भेज करके मेरे कह रहे हैं कि चुनाव लड़वाओ। हरिंदर जी को पहले बोला था कि भाई टिकट फाइनल है, टिकट फाइनल है, 4 लिस्टें निकल गई, हरिंदर जी का नाम उसमें नहीं आया। कल लास्ट लिस्ट के अंदर नाम निकल करके आता है, भाई लिस्ट में ऐसा नाम कैसा फाइनल होता है? तो मैं तो अपनी बात इतनी कहूंगी कि जब मुझे मौका मिला जिसके साथ मैं लगी, चाहे वो सवाई सिंह जी चौधरी थे, उनके साथ मैंने ईमानदारी से मेहनत करी, उनको चुनाव जिताने का प्रयास किया, 19-20 रहा, लोगों का समर्थन कम मिला वो एक अलग बात है। उसके बाद हरिंदर जी आए, उनके लिए मैंने ईमानदारी से प्रयास किया और आज मैं फिर से ईमानदारी से प्रयास करूंगी रेवत डांगा जी के लिए कि वो जीते। और जो आज पलटा हुआ माहौल है, मुझे पूरा विश्वास है रेवत डांगा जी खींवसर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जरूर लेकर के जाएंगे। आप ही के बीच में रहे हुए हैं, किसी ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी, बूथों के ऊपर लड़ लेंगे, अरे करने वाले कौन थे? ये दोनों ही तो थे। मोटरसाइकिल भी मतलब दो टायर हा, ए दो ही टायर अटे ही बैठा है, मोटरसाइकिल भाटा माते वो भी है, स्टैंड लगा। तो भाई करने वाले ये थे, खुद बहुत पीड़ा के बाद में इन्होंने उस पार्टी को छोड़ करके और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं भी ये कहना चाहूँगी कि विकास की जो
नदियाँ होती है ना वो मुख्य धारा में बह करके ही निकल, मतलब अगर आप राजनीति में अगर मुख्य धारा में चलोगे ना तो ही विकास की नदियाँ बह सकती है। आज सबको दिखता है।